वॉचिंग माई YouTube चैनल LCS इन हिंदी। जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मेरा चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, उसका फोर्थ वीडियो है। उसमें आज मैं कवर करूंगा थ्रेड शेड्यूलिंग एज वेल एज द रियल टाइम शेड्यूलिंग। तो ये कैसे होता है और क्यों करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा। और मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं चैप्टर नंबर 1 एज वेल एज द चैप्टर नंबर 2, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन थ्रेड शेड्यूलिंग एज वेल एज द रियल टाइम शेड्यूलिंग। तो बेसिकली थ्रेड शेड्यूलिंग होता क्या है, तो हम बात करें कि जो भी थ्रेड है वो बेसिक यूनिट ऑफ द सीपीयू यूटिलाइजेशन, राइट। मींस जब भी हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो एक थ्रेड क्रिएट होता है। तो उसका काम क्या होता है कि वो जो मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए कोई प्रोसेस को कंप्लीट होने में वो प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। और थ्रेड में होता क्या है, सो इट इज़ कंप्राइज ऑफ थ्रेड आईडी, मींस उसका एक यूनिक आईडी होता है, देन प्राइवेट स्टोरेज एरिया, रजिस्टर सेट एंड स्टैक। सो प्राइवेट थ्रेड आईडी मींस एक यूनिक आईडी होता है पर्टिकुलर थ्रेड का जो कोई प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। देन प्राइवेट स्टोरेज एरिया मींस जो थ्रेड को कोई मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए तो उसे एक प्राइवेट स्टोरेज दिया जाता है। देन रजिस्टर सेट, रजिस्टर सेट का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताएगा कि आपको पेज टेबल है या सेगमेंट टेबल है या कोई इंडेक्सिंग है वो उसके लिए यूज़ होता है रजिस्टर सेट। एंड स्टैक, स्टैक मींस जो भी वन बाय वन प्रोसेस आती है तो उसको एक सेट में सेव करता है। तो यह है बेसिक ऑफ द थ्रेड। ना हम बात करेंगे कि थ्रेड क्या होता है। सो बेसिकली जो थ्रेड है वो दो टाइप के होते हैं, मीन्स यहाँ पे सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड है। मीन्स यहाँ पे आप फिगर पे देख रहे होंगे कि ये जो मेरा है वो सिंगल थ्रेड प्रोसेस है और मल्टी थ्रेड प्रोसेस है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि सिंगल थ्रेड मीन्स वन बाय वन जो प्रोसेस होती है वहाँ पे सिंगल थ्रेड प्रोसेस, सिंगल थ्रेड क्रिएट होता है। देन मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है कि एक ही साथ मल्टीपल प्रोसेस हो रही होती है तो वहाँ मल्टी थ्रेड यूज़ होता है। मैं आपको मल्टी थ्रेड प्रोसेस का एक एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन रिजर्वेशन। मींस वहाँ पे मल्टीपल यूज़र एक साथ रिजर्वेशन करते हैं तो उसके साथ मल्टीपल थ्रेड भी क्रिएट होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड के हैं, सिंगल थ्रेड प्रोसेस एंड मल्टी थ्रेड प्रोसेस। तो बेसिकली जो दो टाइप के थ्रेड होते हैं हमारे, यूज़र लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिया है आपको कि वो सपोर्ट क्या करता है। तो मैनेज दी विदाउट दी कर्नल मींस जो यूज़र है, हम कोई यूज़ करते हैं कोई फाइल इंसर्ट की है अपने कंप्यूटर में और हमें उसको रीड राइट या कुछ देना है तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, उसमें कर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं वो मैनेज बाई दी OS मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो हैंडल करता है। देन सेकंड पैरामीटर इज इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है यूजर लेवल पे, तो थ्रू दी फॉलोइंग थ्रेड मॉडल्स मैनी टू मैनी एंड मैनी टू वन। व्हेन थ्रू दी फॉलोइंग दी थ्रेड मॉडल वन टू वन मींस जो OS होती है वो वन बाय वन जो थ्रेड क्रिएट करता है, राइट, फॉर एग्जीक्यूट दी एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। देन थर्ड वन इज एग्जाम्पल, सर डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन। एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि जब भी सिंगल थ्रेड मींस एक यूज़र वन बाय वन यूज़ होता है देन हम यूज़ करते हैं सिंगल थ्रेड। एंड सपोज कि मल्टी यूज़र आते हैं वहाँ पे जो आपकी फाइल या कोई वेबसाइट एक्सेस करता है तो वहाँ पे होता है मल्टी लेवल थ्रेड। वेयर एज इन कर्नल लेवल, सो देयर आर द विंडोज XP, सोलारिस 9 एंड लिनक्स। तो ये जो अलग अलग होता है तो उसमें वो इम्प्लीमेंट होता है जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है। तो ये देखा हमने दो टाइप के जो कर्नल होते हैं, यूजर लेवल और कर्नल लेवल। तो बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई नीड थ्रेड शेड्यूलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग मींस क्या कि जब भी आप एक साथ में 5-6 प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपको कोई भी मेमोरी है एज वेल एज द रैम है वो आपको शेयर करनी होती है अलग अलग पांचों एप्लीकेशन में। तो थ्रेड इज प्लेइंग अ वेरी विटल रोल इन द लोड शेयरिंग। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि किस प्रोसेस को कितना लोड चाहिए तो उसके हिसाब से वो शेयर करता है। देन डेडिकेटेड प्रोसेस असाइनमेंट, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है या बहुत शॉर्ट होती है मीन्स इट्स डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी
वो प्रोसेसर को ये असाइनमेंट असाइन करता है, राइट, जो थ्रेड है वो। देन डायनेमिक शेड्यूलिंग, डायनेमिक शेड्यूलिंग मीन्स आई थिंक से अगर कोई प्रोसेस चल रही है और उससे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी वाली कोई प्रोसेस आती है, तो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर होके वो जो हायर प्रायोरिटी होती है उसको वो असाइन हो जाती है। तो ये जो तीन चीज़ है कि लोड शेयरिंग है, डेडिकेटेड प्रोसेस असाइनमेंट है एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग, फॉर दैट रीज़न वी आर यूजिंग द थ्रेड शेड्यूलिंग। अब हम बात करेंगे रियल टाइम शेड्यूलिंग। एज इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होती है, एयरलाइन सिस्टम है, सैटेलाइट है, या हमने बताया था कि कोई हॉस्पिटल में जो मॉनिटर होता है जो हमारे पल्स या हार्ट बीट दिखाता है। सो दैट ऑल आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम इज अ वन हुज करेक्टनेस डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एज वेल एज द फंक्शनैलिटी। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है तो उसका मेन रीजन क्या होता है, उसको क्या देना है, उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना होता है डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एज वेल एज द फंक्शनैलिटी। देन सेकेंड चीज है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन टिपिकली विदाउट बफर डिलेस। मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई फ्लाइट पायलट है, वो फ्लाइट रन कर रहा है, तो उस टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कोई भी नियरेस्ट एयरपोर्ट पे वहाँ पे सर कॉन्टेक्ट करता है। अगर पॉसिबल है कि उसको डिले हाफ एन आवर या 10 मिनट बाद आता है तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो जब भी वो कोई रिक्वेस्ट देता है तो उसको रियल टाइम मीन्स इमिडिएटली रिप्लाई आना चाहिए विदाउट एनी बफर डिलेस। सो इसी तरह से हम यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोसेसिंग मस्ट बी डन विद इन द डिफाइंड कंस्ट्रेंट और द सिस्टम विल फेल। जो कंस्ट्रेंट डिफाइन होते हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो प्रोसेस होती है उस कंस्ट्रेंट के बीच ही होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होती है ये सिस्टम पूरा फेल हो जाता है। तो ये है बेसिक हमारा रियल टाइम शेड्यूलिंग। सो इस वीडियो में मैंने बताया आपको थ्रेड एज वेल एज दी रियल टाइम शेड्यूलिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द फेसबुक एज वेल एज द इंस्टाग्राम फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।